हेलो व्यूअर्स, होप सब द BA-71 द रिजल्ट आ चुके हैं तो बहुत अच्छा आया होना है। तो अज असी हुण गल करांगे BA semester 3rd मतलब सैकेंड ईयर दे SEM 3rd इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स दे सिलेबस के बारे में, जो लेटेस्ट सिलेबस अपडेट हो चुके है, जो कि बिल्कुल सेम है पुराने सिलेबस नालों। रेगुलर स्टूडेंट्स का ये सिलेबस है, प्राइवेट ले भी सेम हुंदा है, जस्ट मार्क्स का डिफरेंस है, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दाँगी। तो बेटा असी डिस्कस करते हैं BA 2 SEM 3 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का सिलेबस 2024-25 फॉर रेगुलर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सेम ही रहेगा बच्चे। रेगुलर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का सिलेबस सेम रहेगा। हाँ जी, तो ये सब तो पहला रिटन एग्जामीनेशन, बच्चे पेपर देन चले जाते हैं, बट पता नहीं होता कि पेपर किन्ने नंबर का आना है। 70 मार्क्स का आएगा, इंटरनल असैसमेंट 30 नंबर की होएगी, तो पास परसेंटेज जो है 35% जो तुम्हें नंबर लेने जरूरी है। हुण नैक्सट असं आ जाने कोर्स कंटेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग फॉर्म होम एंड एब्रोड बाय ओरियंट ब्लैक स्वैन। हाँ जी बच्चे, टोस्टड इंग्लिश द फॉलोइंग एसेज, तुहानू टोटल एसेज हैगे 8 एसे है सिलेबस दे विच, जिहदे विचों 4 4 करके यूनिट बनणगे, तो उहदे अकॉर्डिंग तुहानू पेपर आएगा। तो असी एसेज डिस्कस कर लैंदे हां किहड़े किहड़े है। तो पहला है टोस्टड इंग्लिश बाय RK नारायण, वर्क ब्रिंग सोलेस बाय APJ अब्दुल कलाम, ऑन लेटर राइटिंग बाय AG गार्डिनर, then towards creating a poverty free world by Muhammad Yunus, then WikiLeaks Facebook and end of the description Mukul Keswan, issues in the writing of environmental history by Mahesh Rangarajan, then why I want a wife very very important by Judy Brody, universal declaration of human rights by Leigh Levy। ठीक है जी, ये ऐसे जो थोड़े लेवल तो थोड़े जो ऊपर दे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी जो मैंटैलिटी नूं एक हाई लेवल ते पहुँचाने दे लई, एक क्रिटिकल थिंकिंग वाले एसेज है ये। तो बेटा ध्यान नाल रीडिंग करन दी लोड़ है इन्हां नूं, ते ध्यान नाल करने हैं। सिर्फ ये सोच के कभी नहीं पढ़ीदा कि असी पेपर चो पास होना है, ये सोच के पढ़ना है कि असी फॉर होल लाइफ असी कुछ सीखना है। दैन नैक्सट इंग्लिश ग्रामर इन यूज अगला है 5th एडिशन बाय रेमंड मर्फी। तो ये थोनों आनी है 92 to 120, 92 to 120 एक्सरसाइज है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, फुल मार्क्स ले सकते हो बच्चे ग्रामर शो। देखो थोड़ा BA 1 SEM 1 का रिजल्ट आया है, तुसी ओदे च भी देखिया होना है कि BA 1 दे विच जिन्नी तुसी ग्रामर करके आए फुल मार्क्स आए हैं, फाइन क्लियर है। तो इस तरीके BA 2 दे विच भी दोनों समेस्टर दे विच ग्रामर है, तो तुसी BA 2 दे विचों भी फुल मार्क्स ग्रामर चो लै सकते हो। मीनस थोड़ी परसेंटेज इंप्रूव करने के लिए BA 1st ईयर तो सैकेंड ईयर बहुत हैल्प करती है, क्योंकि BA फाइनल दे विच सब कुछ क्रिएटिव राइटिंग है, कॉम्पोजिशन है, फाइन। हुण असी गल करांगे बच्चे टेस्टिंग पार्ट की, टेस्टिंग पार्ट किवें करना है। टेस्टिंग पार्ट दे विच की है, पेपर किवें आएगा। सब तो पहला है द कैंडिडेट शैल अटैम्प्ट 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर होएगा विद इंटरनल चॉइस ऑन किस टॉपिक ते, थीम ऑन थीम, सेंट्रल आइडिया और सबस्टांस ऑफ द फर्स्ट 4 एसेज फ्रॉम ग्लीनिंग फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, ग्लीनिंग फ्रॉम होम एंड अब्रोड, टोस्टेड इंग्लिश, वर्क ब्रिंग सोलेस, ऑन लेटर राइटिंग एंड टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ पॉवर्टी फ्री वर्ल्ड। 4 एसेज दे विचों 2 लॉन्ग आएंगे, जिद विचों 1 करना होएगा, क्लियर। तो उस जिहड़े ऐसे जिहड़े मार्क्स होणगे ऐसे टाइप क्वेश्चन दे होणगे, 12 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग जिहड़ा इहदे चों बनेगा। तो वर्ड्स लिमिट की है 300, ये सवाल अखीर तिकर बच्चे पुछते रहेंदे हैं। 300 शब्द मतलब लगभग 2.5 to 3 पेज, पर बहुत सही लिखा होवे, चाहे कट लेंथ हो जाए, पर यह नहीं है कि तुसी एक पेज का ही सिर्फ आंसर दे के आ जाओ। तो आंसर देने का तरीका की है बेटा, सब तो पहला जिस तरह की टोस्टड इंग्लिश ऐसे है, RK नारायण बारे जो द राइटर है, ऑथर है, वो बारे कुछ व्यूज़ अपनी लिखो, कुछ लाइन्स लिखो वो बारे, वो मेन राइटिंग्स बारे। तो ये मैं बहुत चैनल पर पा चुकी हूँ, तुम पहला चैक कर सकते हो। दैन उस तो बाद टोस्टड इंग्लिश का जो मेन थीम है वो लिखो, दैन वो समरी देखिए, कंकलूजन, जे क्वेश्चन जिस किस तरीके आया है उस तरीके
टू द पॉइंट आंसर करो, क्लियर, ठीक है जी, ता ही थोड़े अच्छे नंबर बनते हैं। उस बाद नैक्सट है बच्चे, नैक्सट फोर ऐसे, लास्ट फोर मतलब फिफ्थ सिक्स सैवंथ एट ऐसे दे विचो जो है थोनू दो क्वेश्चन आएंगे, तुसी एक करना होएगा। ये हो गए 12+12 24 नंबर का पेपर इन्हों 8 ऐसेज दे विचो। यूनिट टू दे विच आएगा बेटा अबाउट 100 वर्ड्स, तुसी शोर्ट नोट, मतलब शोर्ट नोट तुसी देनी है बच्चे यूनिट टू दे विचों अबाउट 100 वर्ड। 100 वर्ड मतलब 10-12 लाइना, मीन हाफ पेज तुसी दे सकते हो। हाफ पेज का मतलब ये नहीं है कि तुसी दोनों साइड से लाइन्स ड्रॉ कर दो, ठीक है, मार्जिन छाड़ो तो विचों बहुत 3-4 अक्षर लिखो तो लाइन्स बन जाती हैं, नो बेटा ऐदा नहीं होंदा, बहुत इफेक्टिवली पेपर देना है। ये आएगा 12 नंबर दे शॉर्ट नोट, क्लियर है जी। हुन मतलब पेपर ग्लीनिंग फॉर्म होम एंड अब्रॉड चो आ गया 12+12+12, ठीक है, 36 मार्क्स का पेपर थोनों ग्लीनिंग फॉर्म होम एंड अब्रॉड चो आना है। सो इन थोरोली तैयार करना है बेटा। कुछ ऐसे तो बहुत ईजी है, जिस तरह की टोस्टेड इंग्लिश बहुत ईजी है, ऑन लेटर राइटिंग बहुत ईजी है, वाई आई वॉन्ट अ वाइफ वेरी ईजी, क्लीयर। तो ये जो ऐसे है थोड़ी जिंदगी लिए एक मोटिवेशनल ऐसे है, जिस तरह की वर्क ब्रिंग सोलेस, बहुत अच्छे ऐसे है, डेफिनेटली यू विल गैट अ टर्न इन टू योर लाइफ जो तुम इन्हें ऐसेज में बहुत थॉरली करते हो। कोई बहुते व्डे नहीं है, टैक्सट बुक के सिर्फ 2 या 3 पेजिज के ऐसे, यू कैन वेरी ईजली रीड। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की वर्ड टू वर्ड रीडिंग थोड़ा इन ऐसेज की इस चैनल पर कराऊँ, क्लीयर है जी। नैक्सट असं आ जाने बेटा यूनिट टू के सैकेंड पार्ट, दैट इज़ लैटर राइटिंग, परसनल लैटर राइटिंग, लैटर टू एडिटर ऑन द करंट इशूज, दैन एप्लीकेशनस, ये भी थोड़ा आनी है 12 मार्क्स की। लैटर टू परसनल राइटिंग जो है लैटरस है, दैन लैटर टू एडिटर है, दैन एप्लीकेशनस है, तीनों ही तरह दैटरस दलग अलग वीडियोज़ मैं इस चैनल पर पहला ही अपलोड की हुई हैं, तुम देख सकते हो बेटा। प्लीज़ जो थोड़ा किसी तरीके भी मैं हेल्प कर रही हूँ, प्लीज़ सबसक्राइब द चैनल अगे इनफॉर्मेशन लैन दे, एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। कुछ मोटिवेशन मिलती है अक्सर अपनी हेल्थ इशूज़ में इग्नोर करके मैं टाइम कड़ती हाँ कि थोड़े लिए कुछ अच्छा कर सका, तो प्लीज़ सबसक्राइब लाइक एंड शेयर। दैन यूनिट थ्री बेटा, यूनिट थ्री के बेटा मेन की है, देखो यूनिट थ्री हूँ दिस इज़ द पार्ट विच इज़ प्योरली फ्रॉम द योर ग्रामर पार्ट, ठीक है जी, 92 to 120 के प्योरली फ्रॉम ग्रामर पार्ट। तो ये थोड़ू किस किन्ने नंबर का पेपर आना, दैट इज़ ऑफ 22 मार्क्स, किन्ने का आएगा 22 मार्क्स पहला पार्ट है, ठीक है जी। दैन ये जो है स्टूडेंट्स ने हर सेंटेंस 2 नंबर का होएगा, स्टूडेंट्स ने करने हैं जो 92 to 120 दिकर जो एक्सरसाइजिज प्रिस्क्राइब की हुई हैं। नैक्सट बच्चे, दिस इज़ द ग्लीनिंग फ्रॉम होम एंड अब्रोड बुक है, जिद ऐसे करने हैं बाय ओरिएंट ब्लैक्समैन, बहुत सस्ती जी बुक है, जो तुम सैकेंड हैंड भी बाय कर लोगे तो रीडिंग थोड़ी स्ट्रोंग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, तो होप आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट की थोड़ी समझ आ जाए। ग्रामर के बेटे 15 सेंटेंसिज आएंगे, ठीक है जी, आउट ऑफ विच कैंडिडेट ने जोड़े है, कैंडिडेट अटैम्प्ट हैज़ टू अटैम्प्ट 11, ठीक है जी, कैंडिडेट हैज़ टू अटैम्प्ट 11, इतने थोड़ा डिम है सिलेबस यूनिवर्सिटी वालों ही, 15 to 11 करने हो गए, 22 सेंटेंस 2 नंबर का होएगा तो टोटल हो गया 22 मार्क्स, ठीक है जी, क्लियर। तो बेटा मैं हमेशा यही एडवाइस करूँगी, सारे सेंटेंस करके आओ, एक सेंटेंस का आंसर दो, आंसर में मेन वर्ड अंडरलाइन करो, एक लाइन छोड़ो फिर अगे अंडरलाइन करो, तो इस तरह करके अपने आंसर देने हैं। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।